कुर्ला स्टेशन के लगत नेहरू नगर मोहल्ले में सोसाइटी के मेंटेनेंस को लेकर अबराज शेख और अल्ताफ अंसारी के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई के तुरंत बाद अल्ताफ अंसारी ने अबराज शेख के घर जाकर उसे धमकाना शुरू किया एवं अपने साथियों के साथ उसे जान से मारने की भी कोशिश की। अबराज शेख ने खुद के बचाव करने हेतु प्रसार माध्यम के द्वारे अपनी बात रखकर प्रशासन से दाद मांगी है और उन्होंने सारी बात प्रसार माध्यम के द्वारा कही। मैं अबराज शेख बोल रहा हूँ। मेरा सोसाइटी का मीटिंग था। सोसाइटी मीटिंग में ये हुआ कि मेंटेनेंस जिसके जिसके पास ज़्यादा बाकी है वो वसूला जाए। तो ये सारे का आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है सोसाइटी में। तो हम लोग सोसाइटी का जब मीटिंग ख़त्म हो गया तो ऑफिस में बैठे ये हुआ कि जिसके पास मीटिंग ज़्यादा जिसके पास पैसा ज़्यादा बाकी है उसके उसका नल वल का पानी उनी बंद किया जाए। तो ये सब चल रहा था। इतने में अल्ताफ अंसारी नाम का आदमी सोसाइटी में बैठा हुआ था, वो भी आता जाता था, ऑफिस में बैठता था, हम लोगों के साथ में ही आता जाता बैठता था। तो वो क्या बोलता है, मेरा 40,000 मेंटेनेंस बाकी है, हम नहीं देंगे। तो फिर बाद में बोलता है आधा ले ले, पूरा ले ले, मेरे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ये है वो है। तो लेडीज़ लोग आते मेंटेनेंस भरने के लिए तो उनके सामने बदतमीजी से बात करता था वो। तो हम लोग बोलते थे अल्ताफ भाई ऐसा बात मत करो, यहाँ लेडीज़ आते जाते हैं, तुम ऐसा बात गंदी बातें क्यों करता हूँ। तो वो बोलता है मेरा उखाड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, मार बोलने लगा। तो उसका मेरा हत्थाबाई हो गया। हत्थाबाई होने के बाद सब ख़त्म हो गया वहाँ से। फिर मैं ऑफिस छोड़ के मैं चला गया वहाँ से। ऑफिस छोड़ के चला गया तो वो अपने लड़के को वो भी ऑफिस में से उठ के चला गया। ऑफिस में से उठ के वो भी चला गया और जाके बोलता है अपने लड़के को कि अबरार को जाके मारो, मेरे को मतलब ऐसा ऐसा हत्थाबाई मेरे से किया, उसको जाके मारो। तो अब मेरे को मालूम नहीं था मेरे को कि मतलब कोई मारने आने वाला है, क्या आने वाला है, ऐसा कितनी बार हम लोगों में बातचीत होते रहती थी। तो वो गया, वो आया ऑफिस के इधर रॉड लेके आया और ढूंढते हुए ऑफिस के इधर रॉड लेके आया। दो लड़के लोग आए, अफसर अंसारी मजीद अंसारी, ये लोग दोनों आए सोसाइटी के ऑफिस के इधर। फिर वहाँ से घर पर गए और वाइफ को धक्का देते हुए सीने पर हाथ देते हुए पुश करते हुए अंदर चले गए घर में से। फिर वापस रॉड लेके आया। फिर मैं इधर बाइक साफ कर रहा था दुकान में, तो उधर पे आके मेरे को पीछे से रॉड मारा, एक रॉड मारा, दो रॉड मारा। फिर वो मजीद अंसारी मेरे को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो कई रॉड मेरे को यहाँ पे सर पे, नाक पे, यहाँ सर पे वो मारता है। फिर इसके बाद मैं सीधा, वाइफ मेरी आ जाती है, दौड़ते दौड़ते आती है मेरी वाइफ। फिर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बोला जाता है कि आपका खून बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप पहले राजावाड़ी जाइए। हाँ, फिर मैं राजावाड़ी गया। राजावाड़ी जाने के बाद मेरे सर में तीन टाँके नाक पे लगे। फिर मैं वहाँ से बेहोश हो गया। फिर उसके बाद टाँका वाका लगने के बाद एक घंटे के बाद जब मैं होश में आया तो फिर मेरे को लेके वो लोग कुछ 6-7 बज गया, मेरे को पुलिस स्टेशन लेके आए। फिर FIR यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट लिया गया लेने के बाद। फिर वहाँ पे केस बना, 326 का केस बना। फिर उसके बाद 11 बजे मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद 2 दिन के बाद उनके जो लड़के हैं यहाँ पे, मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, यहाँ काम पे चला जाता हूँ। तो वाइफ मेरी दूध लेने जाती है, सब्ज़ी लेने जाती है, तो रास्ते में ऐसे घूर घूर के देखने का मेरे वाइफ को और दोस्तों लोग से दिखाने का कि मतलब देख वही है। फिर ऐसे करने का और रास्ते में आके ऐसा कमर पर हाथ रख के खड़ा हो जाने का और एकटक ऐसे देखने का। फिर मैं पुलिस स्टेशन में गया और मतलब वहाँ जाके बोला ऐसा साहब ऐसी बातें हैं, ये लोग रास्ते में मेरे वाइफ को मतलब छेड़ते हैं, रास्ता रोकते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं ये लोग। तो वहाँ पे साहब ने बोला ठीक है, मैं उनको बुला के उनसे पूछता हूँ। मैं तो उनको बुला के पूछा गया तो उनको थोड़ा साहब ने डांटी उटी भी दिया उन लोग को बुला के, बोले ऐसा क्यों करते। तो वो लोग सीधा निकल गए कि नहीं हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मगर जो करता है वो तो सामने दिखता है। मैंने फ़ोटो भी दिखाया, मैंने फ़ोटो भी निकाला, वो घूरने का फ़ोटो भी निकाला था, मेरी वाइफ ने फ़ोटो निकाला, वो भी साहब को दिखाया। मेरे को जब मारा तो उसमें 3 लोग थे, अफसर अंसारी, मजीद अंसारी और एक लड़का का नाम था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। 3 लोग थे मेरे को मारने में। हाँ, तीनों को पुलिस स्टेशन में जमा किए। जमा करने के बाद कोर्ट से उनको जमानत मिल गई 2 दिन के बाद। 3 जने मारने में थे, 3 जन में से 2 जने हाजिर हुए थे, एक भाग गया था, अब्दुल मजीद अंसारी जो है वो भागा हुआ था। फिर दो दिन के बाद इनकी शनिवार को झगड़ा मारा पीटी हुई। फिर मंडे को इनकी जमानत हो गई, दो लोग की जमानत हो गई। तीसरा भागा हुआ था। फिर जब ये लोग की जमानत हो गई तो तीसरा जो आरोपी था वो मंगलवार को हाजिर हुआ और मंगलवार के दिन ही उसकी जमानत हो गई, उसी दिन।
हाँ वही, उसके उसके बाद वही सब घूर के देखना, ये लड़के लोग से बात करना, मेरे वाइफ को ऐसा दिखाना कि ये उनके इनके उनके पति हैं, ये उनकी वाइफ है, यही सब ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। मतलब अभी तो टेलर था पिक्चर, अभी बाकी है, ऐसा वैसा सब बोलते फिरते हैं। तो मतलब अपने को कैसा जीना है, कैसा रहना है इधर। हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, मेरे को पुलिस स्टेशन से मैं जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, NCC ACP DCP को जो भी लेटर दिया हूँ उसका कुछ कड़क स्टेटमेंट नहीं आया। मेरा नाम शबाना शेख, मैं कुरला में रहती हूँ और मेरे सोसाइटी की मीटिंग थी, मेंटेनेंस भरने के लिए बोला गया तो मेंटेनेंस भरने के लिए कि सब लोग जिनके मेंटेनेंस ज़्यादा है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके भरिए, एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। मीटिंग वहाँ पर समाप्त हो गई। वो माड़ा जो ऑफिस था माड़ा का, उसके अंदर औरतें आई हैं, उन्होंने कहा कि कितना कितना हमारा तो बाकी है, हम थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। ये आया, ये अल्ताफ अंसारी ये आया, इसने बोला कि मैं नहीं दूंगा, मेरा ये उखाड़ लेगा क्या, मेरा झाटा उखाड़ लेगा क्या। तो इन्होंने क्या किया, बोले कि गाली मत दे, यहाँ औरत लोग खड़े हैं, यहाँ से तू चला जा। उसने क्या किया, डायरेक्ट इनका कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के जब इनका कॉलर पकड़ लिया, इन्होंने धक्का दिया उसको, धक्का दिया। फिर पब्लिक जो वहाँ पर खड़ी थी, जो लोग खड़े थे, उन्होंने हटा दिया। वहाँ पर ख़त्म हो गया सब कुछ। उसके बाद में उसके लड़के को भेजा मेरे घर पे, घर में घुस गया उसका लड़का आके, उसने अपने लड़के को बोला, उसका लड़का मेरे घर में घुस गया। मैं कपड़ा धो रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, उसने कहा कि वो तेरे पति ने मेरे आदमी को कहाँ छुपा के रखा है, निकाल उसको, आज उसको जान से ख़त्म करना। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों ऐसा बोल रहे हो, जो भी अगर उनसे गलती हुई तो वो माफ़ी मांगेंगे, अगर आपसे गलती हुई तेरे डैडी से तो तेरे डैडी माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उस लड़के ने बोला नहीं, आज उसको ख़त्म ही करना। उसके साथ में एक मजीद अंसारी भी लड़का था, उसने बोला मेरे मामू को मारेगा, मेरे मामू को मारेगा। उसकी माँ गंदी गंदी गाली देने लगा, मैं क्या करूँ, मेरे बहुत मैं परेशान हूँ। वो लोगों ने मुझे धक्का दे के बाहर निकले। मैंने अपने शौहर को कॉल किया कि कहाँ हो आप, तो उन्होंने फ़ोन ही मेरा रिसीव नहीं किया, क्योंकि फ़ोन दुकान के अंदर था, वो दुकान के बाहर बाइक साफ कर रहे थे। जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उनके पीछे पीछे मैं भाग के नीचे आई। वो लड़का का डैडी नीचे खड़ा था बिल्डिंग के नीचे। मैं बोली अल्ताफ भाई जो भी है आप बैठ के सुलह कर लीजिए, जो भी अगर उनकी गलती है तो वो माफ़ी मांगेंगे, अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपका लड़का मेरे घर सरिया लेके गया था, गंदी गंदी गाली दे रहा था, मेरे घर का सामान फेंक दिया उसने और मुझे धक्का दे के भागा वो। तो उसने कहा बस इतने में मैंने देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बोले मेरे को मारेगा वो, आज तो उसको जान से ही ख़त्म करना है। उसके बाद में मैंने देखा सामने से पब्लिक भागते हुए मेरे दुकान के पास जा रही थी, मैंने देखा तो मेरे शौहर को मार के लहू लुहान किया हुआ था। के बाद में हम लोग गए राजावाड़ी पुलिस चौकी, गए पुलिस चौकी गए तो साहब ने बोला जाओ राजावाड़ी चले जाओ। हम लोग राजावाड़ी गए, वहाँ पर से हम लोग आए चौकी, चौकी में साहब ने हमारा केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद में हम अपने घर चले आए। आने के बाद में फिर मैं निकलती हूँ तो उसके दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, बोले कि उसका नाम क्या, मैं अपने शौहर को फ़ोन लगाती तो बोलते लगा लगा क्या कर लेंगे लगा। और मैं चुपचाप से चली आती हूँ क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरा क्योंकि मेरा एक शौहर है, मेरे तीन बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मैं मेरा ऊपर वाला है अल्लाह है, अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है साथी मेरा, सिर्फ मुझे जनता की मदद चाहिए, आप लोगों की चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद में वो लड़का बोलता है मुझे अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो टेलर देखा है ना। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा कि जाने चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, बोल रहा है बोलने दो। उसके बाद में फिर भाजी मार्केट जाती हूँ, दूध लेने जाती हूँ तो सामने आके खड़ा हो जाता कमर पे हाथ रख के। तो फिर मैंने अर्जी दी हूँ कमिश्नर के पास में, DSP के पास में, SP के पास में मैंने दिया है मैंने अर्जी। फिर मुझे पुलिस चौकी में बुलाया गया, पुलिस चौकी के अंदर साहब ने बोला कि आप लोगों ने इसके साथ में ऐसा ऐसा किया, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं मेरे को चाहिए नहीं है। अभी उन्होंने साहब ने उनको जब से डराया, जब से धमकाया उनको, जब से तो अभी थोड़ा वो है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कभी भी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी टीम उनकी तो पूरी टीम है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरा शौहर है, उसके सिवा कोई नहीं है। संवाददाता रोशन गायकवाड़, मुंबई, आपका न्यूज़।